तो गाइज अभी हम जाएंगे कोलकाता, अकेले ट्रेन पे सफर करेंगे। देख सकते अभी हम मौजूद है न्यू हाफलोंग बार, यहाँ पर अंडा बिरयानी भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लंबिंग पर हम पहुँच गए। देख अभी रात के गाइज करीब 1:30 बजने को है और हम पहुँच गए हैं गुवाहाटी स्टेशन पर दोस्तों। ये दोस्तों कोलकाता की हावड़ा स्टेशन के बाहर ही मिलेगा, देख सकते हैं के जो फेमस स्वीट शॉप है। यहाँ से मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया मिठाई और एक पानी का बोतल। सिर्फ आपको बड़े बड़े बिल दिखेंगे सकते हैं दोस्तों। रात की अभी 11 बज के ऊपर हो चुका है लेकिन सियालदह स्टेशन अभी भी सोया नहीं है। अभी रात के 10 बज रहे और हम पहुँच गए हैं बादरगाद यानी कि त्रिपुरा पर फाइनली। तो गाइज अभी हम जाएंगे कोलकाता, अकेले ट्रेन पे सफर करेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग हैं, मेरी चारों तरफ लोग हैं देख सकते हैं। तो गाइज बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ट्रेन में सफ़र करने का यही मज़ा है, आपको भरपूर मतलब आनंद मिलेगा ट्रेन में। साफ देख सकते हैं चारों तरफ से, देख सकते हैं बाहर कितने हरियाल और खलियाने हैं। तो गाइज अभी हम मौजूद हैं न्यू हाफलोंग बार, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ आपको बड़े बड़े मतलब पहाड़े दिखेंगे। देख सके कितने बड़े बड़े पहाड़। बहुत ही भूख लगी थी और यहाँ पर अंडा बिरयानी भी बेच रहे हैं, कितना टेस्टी है देख सकते हैं। यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पर भीड़ देख सकते लोग। तो गाइज देख सकते हैं बाहर दो चमगादड़ लटक रहे हैं और देख रहे हैं बाहर क्या है। अगर गिर गए नीचे से तो कभी कुछ नहीं दिख पाएगा ज़िंदगी में। देख सकते हैं काफ़ी जर्नी और मशक्क़त के बाद ट्रेन में धक्के खा के कुछ देर में हम पहुंच गए हैं कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लंबिंग पर हम पहुंच गए। देख सकते हैं लंबिंग के ट्रेन, देख सकते हैं चारों तरफ लोग भी देख सकते हैं और दुकानें भी यहाँ पर काफ़ी है। अभी रात के करीब 12 बजने को है और हम पहुंच गए हैं चपरमुंग जंग पर। देख सकते हैं चपरमुंग जंग से गुवाहाटी का मतलब बहुत दूर डिस्टेंस नहीं है। देख सकते हैं कुछ देर में हम गुवाहाटी भी पहुँच जाएंगे। मेरे पीछे जो है वो स्टेशन वो चपरमुंग जंग है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अभी रात के गाइस करीब 1:30 बजने को है और हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी स्टेशन पर दोस्तों, जहां पर दोस्तों लोग सोते नहीं ऐसा कहते हैं। ये कोलकाता का हावड़ा स्टेशन जैसा ये चारों तरफ लोग ही है, लोग बस लोग ही है चारों तरफ और सोया भी नहीं है कुछ। देख सकते हैं चारों तरफ लोग है बस और जगह रहती है यहाँ पर। और अभी हम ट्रेन पर भी चढ़ जाएंगे क्योंकि हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे गुवाहाटी के बाहर। किस अभी रात की करीब 2 बजने को आ रहा है, 2 बज रहा है गाइस और देख सकते हैं हमारे पीछे ही है हावड़ा स्टेशन। हम कोलकाता के हावड़ा स्टेशन तक तो पहुंच गए। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सिर्फ चोरों चक्के नज़र आ रहे हैं मुझे और पीछे बाले बाकी बिहारी, शायद बाकी बिहारी का मंदिर है देख सकते हैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पर करें यहाँ पर जाने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल के लिए दोस्तों आप लोगों को मतलब ऑटो रिक्शा ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आपको ठेले दिखेंगे दोस्तों और ऐसा बड़ा बड़ा आपको कुछ दिखेगा जिसमें आपको मतलब बोरी के साथ मतलब सामान के साथ आपको यहाँ पर रहना होता है। फिर आपको जा आएंगे बाहर ड्रॉप करवा देंगे। ये दोस्तों कोलकाता की हावड़ा स्टेशन के बाहर ही मिलेगा, देख सकते हैं। अभी हम साबरमती से बाहर निकल आए हैं गुरु जी के घर से, अब हम जा रहे हैं देखिए यहाँ के लोग इसे टोटो कहते हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, कौन है, बहुत सुंदर जगह है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम नयाहाटी स्टेशन पर पहुंच गए। नयाहाटी स्टेशन के बाहर देख सकते हैं मैं कोलकाता घूम रहा हूँ अभी और एक सस्ता और मजबूत टिकाऊ मतलब होटल भी ढूंढना होगा क्योंकि रहने के लिए यहाँ पर बहुत ही सस्ता लॉन्च मिलते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ खाने ही दिखेंगे आपको, देख सकते हैं मुझे तो अभी मतलब जीभ में पानी आ रहा है देखने के। तो देख सकते हैं दोस्तों मुझे रूम यहाँ पर मिल चुका है, देख सकते हैं कोलकाता की नयाहाटी का है पहाड़ का। यहाँ के लोग इसे गधा गाड़ी कहते हैं जी हाँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कोलकाता के नयाहाटी स्टेशन के बाहर मिलने वाले होटल पे, देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ। चारों तरफ भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ भीड़ है। चारों तरफ धीरे बस ये देखिए बड़ा बड़ा मार्केट। सबसे पहले मैं
ले चल तो आप लोगों को पानी पूरी दी। अब हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं। पानी पूरी खाना नोट कर दीजिए, तो आप लोग मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई साथ नहीं। बताया जाए कि पापा से देख सकते हैं गाइस, यहाँ के जो फेमस स्वीट शॉप है यहाँ से मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया मिठाई और एक पानी का बोतल। तो गाइस अगर मैं कहूँ हमारी यहाँ 10 रुपये में कितने पूड़ियाँ मिलेंगी, आप कहेंगे एक या फिर एक भी नहीं। यहाँ पर दोस्तों 10 रुपये में साथ में दोस्तों सब्जियाँ भी मिलेंगी गर्म गर्म 6 पूड़ियाँ। अभी हम नोहाटी जंक्शन से अभी निकल गए हैं हम, और अभी हम जाएंगे सीधे सियालदह स्टेशन। वहाँ से दोस्तों हम सीधे बदलगत स्टेशन पर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें घर जाना होगा पहले। तो देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बहुत ही औसम है। देख सकते हैं चारों तरफ मतलब आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा, जिस तरफ भी देखेंगे देख सकते हैं सिर्फ आपको बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे। मैं जहाँ पर अभी नैहटी के बाहर का जो मतलब नज़ारा है ऐसा दिखता है। अभी हम सीधे जाएंगे सियालदह। तो गाइस अभी हमें और सिर्फ 6-7 स्टेशन पार करना होगा, फिर हम पहुंच जाएंगे सियालदह स्टेशन। गाइस देख सकते हैं गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सियालदह स्टेशन के सामने ही, सामने के स्टेशन में। एक स्टेशन बाद ही हम पहुंच जाएंगे सियालदह स्टेशन, यहाँ से टिकट बना लेंगे जाके। हम है सियालदह स्टेशन पर, देख सकते दोस्तों। रात की अब 11 बज के ऊपर हो चुका है लेकिन सियालदह स्टेशन अभी भी सोया नहीं है। अभी हम दोस्तों कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर है और देख सकते हैं रात के, देख सकते हैं गाइस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बड़ा एक्वेरियम भी बना चुके हैं यहाँ पर। और देख सकते तो गाइस अभी रात के करीब मतलब 1 बज के ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो टाइम का कोई पता नहीं रहता, कहाँ क्या बजे मतलब कहाँ क्या हो रहा है, कितने बजे कुछ पता नहीं है आपको। और चारों तरफ लोग ही लोग है बस, और सोता नहीं है सियालदह, कभी सोया नहीं शायद आज तक। अभी रात के 12 बज के देख सकते यहाँ पर सोल्जर भी है, देख सकते हैं लोगों की नींद के मारे क्या हालत बन चुकी है। अब मरता क्या ना करता, एक अंकल भी यहाँ पर झपकियाँ ले लेते हैं और जैसे ही मैं वीडियो पर थोड़ा साउंड करता हूँ बेचारा जाग जाता है, और मैं कहाँ सोने वाला था क्योंकि मैं तो हुई ऐसा। तो गाइस अगर आप लोगों ने कभी गंगा को नहीं देखा है तो देख सकते हैं गंगा नदी को, इतने मतलब विशाल है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी समुंदर के मतलब समुंदर को देख रहा हूँ। इसके सामने बड़े बड़े शिप मतलब चीनी काम मतलब चाय काम चीनी लग रहे हैं, देख सकते हैं मतलब चीटियों की संख्या जैसे मतलब एक साथ रहती है वैसे बड़े बड़े शिप एकत्रित होकर भी यहाँ का कुछ मतलब हिस्सा मतलब कवर अप नहीं कर सकते, इतना बड़ा है देख सकते हैं गंगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक बड़ा सा मतलब ब्रिज बनाने का, सेतु बनाने का यहाँ पर जो काम चल रहा है बहुत समय पहले से, देख सकते हैं मतलब गंगा नदी के ऊपर से बहुत बड़ा शायद प्रोजेक्ट हो सकता है। और देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, गंगा नदी का मतलब नज़ारा कितना मतलब सुंदर है ये देखो। तो गाइस अभी रात के 10 बज रहे और हम पहुँच गए हैं बादलगंज यानी कि त्रिपुरा पर, फाइनली पहुँच गए हैं हम। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।